बहुत ही अफसोसनाक एक माजरा जो गुज़श्ता हफ्ते भी और कई हफ्तों से हो रहा है और आगे भी पेशनगोइयाँ हैं जारी रहेगा। ईरान के अंदर बहुत ही तबाहकुन और वीरानगर सैलाब, इतनी बारिशें शायद पूरी तारीख में ईरान में नहीं हुई जितनी अभी इन चंद हफ्तों से मुसलसल, और तकरीबन पूरा ईरान ही सैलाब ज़दा है, खुसूसन उसके जनूबी जो हिस्से हैं, खुजस्तान है, लोरिस्तान है, और इसके शहर मुकम्मल तौर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा सैलाब की तबाही में आ गया। बड़ी मुश्किल से इंसानी जानें बचाई जा रही हैं, कहीं पे रोड ब्लास्ट करके, कहीं पे रेलवे लाइन ब्लास्ट करके, कहीं पे कोई और इस तरह पानी बारिशें हैं, मूसलाधार बहुत मुँहज़ोर बारिशें हैं, रुकने का नाम नहीं लेती, और बारिशों पे बारिशें, पहली बारिश ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। और चूँकि खुश्क ज़मीन थी, सहराई किस्म की ज़मीन थी, रेगिस्तानी, वहाँ बारिशें इतनी तवक्को नहीं है ताकि बारिशों के लिए कोई इंतज़ाम हो, जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में सैलाबी बंद बांधे हुए हैं जो सैलाबी रेलों को रोकते हैं, लेकिन ईरान में ऐसा इंतज़ाम नहीं था, चूँकि कभी ऐसी बारिशें हुई नहीं है, मौसम में इतनी बारिशें नहीं होती, अब बेमौसमी हो रही हैं वहाँ पर, और उस वजह से काफ़ी तबाही है। अभी तक 70 अफराद सैलाब का निशाना बन चुके हैं, लेकिन मिलियंस अफराद बेघर हो गए हैं, जिनके शहर तबाह हो गए, मसलन मट्टी जो सैलाब बहा के ले के शहरों में उसने जाके स्टॉक कर दी है, वो 3-4 मीटर बुलंद मट्टी है, गारा लोगों के घरों की बुलंदी से भी ऊपर उसने मट्टी जाकर सैलाब ने शहरों के अंदर और शहरों के इर्द गिर्द डाल दिए। एक बड़ी वीरानगर तबाही वहाँ पर है, पूरा ईरान, नौरोज़ के दिन भी थे उनके, वैसे नौरोज़ ईद का दिन होता है, लेकिन उन्हीं दिनों में ये बारिशें हुई हैं, पूरा ईरान उनकी फोर्सेस, अफवाज, उनकी सिपा, बसीज, सब रहबर मुअज़्ज़म से लेकर नीचे तक जितने हैं सब इसी के मुकाबले में लगे हुए हैं। अभी तक उन्होंने किसी बैरूनी इमदाद का तकाजा नहीं किया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत हाल में जब पूरा मुल्क सैलाब की जद में आ गया हो और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर मुतासर हो गया हो, रास्ते उनके और हर चीज़, ज़रूरत तो है, लेकिन अब वो ख़ुद बेहतर समझते हैं, चूँकि वहाँ बहरानों से निमटने के लिए बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद है, तजर्बा उनके पास बहुत वसी है, जितनी बहरान कंट्रोल करने की मैनेजमेंट ईरान के अंदर एडवांस है इतनी किसी मुल्क में कम होगी, हर तरह का, जलजले के लिए हो, जंग के लिए हो, या फोर्सेस बनी हुई हैं, तैयारियां की हुई हैं उन्होंने और संभाल रहे हैं। जाहिर है अगर किसी और जगह ये सैलाब होता तो कहीं ज़्यादा तबाही मचा देता, वहाँ भी काफ़ी तबाही हो गई है, दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस बारान को बारान रहमत में तब्दील करे, और जो मुतासरीन सैलाब हैं खुदावंद ताला उन्हें महफूज रखे, और लोगों को भी खुदा तौफीक दे कि सैलाब ज़दगान की और मुतासरीन की मदद कर सके इंशाल्लाह।